आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं और किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स का सिम इस्तेमाल करते हैं और अपने सिम को आप मोबाइल में पोर्ट करवाना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन घर बैठे कैसे पोर्ट करवाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखना और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और यहां सर्च बार में टाइप कर देंगे मोबाइल ही और मोबाइल ही टाइप करने के बाद आप यहां से सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने जो भी पहला लिंक आएगा आप उसको ओपन कर लेंगे या फिर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज को ओपन कर सकते हैं। आप लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इसका होम इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ से अगर आपको अरबी आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो आप इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश को सेलेक्ट करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू लाइन और दूसरा ऑप्शन दिखेगा स्विच टू मोबाइल ही। आप स्विच टू मोबाइल ही पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप जैसे ही स्विच टू मोबाइल ही पर क्लिक करेंगे और आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन जो है स्विच टू मोबाइल ही पोस्ट पेड है और दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर स्विच टू मोबाइल ही प्रीपेड। दोस्तों, पहला ऑप्शन स्विच टू मोबाइल ही पोस्ट पेड को अगर आप लेते हैं इसका आपको मंथली बिल पे करना पड़ेगा और दूसरा ऑप्शन स्विच टू मोबाइल ही प्रीपेड है, अगर आप प्रीपेड सिम लेते हैं इसके आपको कोई भी मंथली चार्ज नहीं देने होंगे, आप इसमें जितना चाहें रिचार्ज करके इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पोस्टपेड सिम लेना चाहते हैं तो पोस्टपेड को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहां से प्रीपेड को सिलेक्ट करेंगे और मोबाइल ही सिम पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इसके नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद दोस्तों आप यहां थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहां से आप डेस्कटॉप साइट को सेलेक्ट कर लेंगे। डेस्कटॉप साइट को सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपके स्क्रीन पर इसका सारा प्लान अच्छे से शो होने लगेगा और यहां पर डिस्क्रिप्शन से आप जो भी पैकेज को लेना चाहते हैं आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कोई भी पैकेज की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों आप इसमें जितने भी पैकेज हैं आप सब पर क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगी। अगर आप यहां से कोई भी पैकेज लेना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसमें से कोई भी पैकेज नहीं लेना चाहते तो आप यहां से ट्रांसफ़र योर नंबर टू मोबाइल को सेलेक्ट करेंगे और यहां से आप पैकेज टाइप में प्रीपेड को सेलेक्ट करेंगे और आपको अगर एक से ज़्यादा सिम चाहिए तो यहां पर प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहां से बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपके सिम की रिक्वेस्ट आ जाएगी, आपने कितने सिम के लिए रिक्वेस्ट डाला है। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मैंने दो सिम के लिए रिक्वेस्ट डाला है और यहां पर आप देखेंगे मुझे कुछ भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा सिम पोर्ट के लिए। यहां पर जैसा कि आप देख रहे होंगे टोटल ये रियाल में ज़ीरो है और शिपिंग चार्ज जो है वो भी बिल्कुल फ्री है। आप यहां पे अपना लास्ट नेम लिख देंगे और यहां पे आप अपना फर्स्ट नेम टाइप कर देंगे और यहाँ पर आप अपना एक ईमेल आईडी टाइप कर देंगे और यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर टाइप करना है। आप जिस भी नंबर को पोर्ट करवाना चाहते हैं आप उस नंबर को यहाँ पर टाइप करेंगे और जब भी आपका सिम डिलीवर किया जाएगा मोबाइल की तरफ से जो भी आपका सिम लेकर आपको डिलीवर करने आएगा
इसी नंबर पर आपसे वो कॉन्टैक्ट भी करेगा। नंबर टाइप करने के बाद आप यहां से अपने डिलीवरी लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे और यहां पर आप सर्च बार में अपने एरिया का नाम लिख देंगे और यहां से आप अपने लोकेशन को कॉन्फर्म कर देंगे। यहां से आप आई एग्री एंड नो द टर्म एंड कंडीशन को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहां से आप कॉन्फर्म पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही कॉन्फर्म पे क्लिक करेंगे आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। यहां पर आपको उसकी बिलिंग मिल जाएगी। जैसे कि आपको यहां पर टोटल कुछ भी पे नहीं करना है, आपने जिस डेट को अप्लाई किया है यहां पर आपको डेट शो हो जाएगा और यहां पर आपको एक ऑर्डर नंबर मिल जाएगा और यहां पर आपके ऑर्डर की सारी डिटेल्स शो हो जाएगी और आपके मोबाइल पर एक कॉन्फर्मेशन मैसेज भेज दिया जाएगा जिसमें आपको आपके सिम की ऑर्डर नंबर दे दी जाएगी और आपके दिए गए एड्रेस पर आपका सिम डिलीवर कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।